और तेज रफ्तार खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हुए बड़ा फैसला, क्योंकि ज्ञानवापी पर महत्वपूर्ण खबर इस वक्त यह है कि ज्ञानवापी से जुड़े हुए दो मामलों में फैसला आने वाला है। ज्ञानवापी के पूरे परिसर के सर्वे की मांग का यह मामला थोड़ी ही देर में वाराणसी कोर्ट यह फैसला सुनाएगी। कोर्ट में मौजूद है दोनों पक्षों के लोग इस वक्त का यह ताजा अपडेट। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी से जुड़े हुए दो अहम मामलों में आज फैसला कोर्ट का आएगा। ज्ञानवापी के पूरे परिसर के सर्वे की जो मांग की गई है जिस याचिका में, उसी को कोर्ट ने सुना और उस पर अब फैसला थोड़ी ही देर में। दोनों पक्ष इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। ताजा जानकारी क्या है, सीधे रुक करते हैं, आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी वीरेश पांडे के पास। वीरेश, कितनी देर में उम्मीद की जाए ये फैसला आ जाएगा? खबर मिल रही है कि दोनों पक्षों के लोगों को कोर्ट ने अंदर बुलाया है। वीरेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? 30 मिनट के अंदर, यानी आधे घंटे के अंदर जी, उम्मीद ये की जा रही है कि 30 मिनट यानी आधे घंटे के अंदर फैसला आ जाएगा। और ये उम्मीद इसलिए की जा रही है कि दोनों पक्षों को जज साहब ने अंदर बुलाया, उन्हें बताया, और उसके बाद से जो दोनों पक्ष हैं अभी कोर्ट रूम में हैं और जज साहब के पास से वो चले आए हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि जज साहब जब आएंगे तो लगभग आधे घंटे के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि फैसला आएगा। और ये आज का फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो फाउंटेन है, फव्वारा है, शिवलिंग है, 16 मई 2022 याद कीजिए जब कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही में ये मामला सामने आया था। हिंदू पक्ष ने कहा था कि ये शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ये फाउंटेन है। तो ये फाउंटेन और शिवलिंग का जो विवाद था ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया था और कोर्ट ने एएसआई सर्वे की रोक लगा दी थी वजू खाने में। और वैज्ञानिक परीक्षण की मांग हिंदू पक्ष कर रहा था कि इसका वैज्ञानिक परीक्षण हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो खबर आ रही है कि मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, उसका यह कहना है कि कुछ शर्तों के साथ एएसआई सर्वे हम करा सकते हैं, हम इसके लिए सहमत हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें फाउंटेन को उपयोग में लाने की इजाजत दे दी जाए। तो जो दो साल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला सबसे अहम है और इस लिहाज से भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में खुदाई और सर्वे और इस तरह की जो वजू खाना है उस पे रोक लगाई है। समझूंगी वीरेश, आप रहिएगा हमारे साथ, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन अभी कोर्ट के बाहर से हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या अपडेट है। निशांत, देखिए आज जो है वाराणसी के ज्ञानवापी मूलवाद यानी 1991 लॉर्ड विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। दरअसल मामला ये है कि इसी से जुड़े वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था जिसमें उनकी मांग एडिशनल सर्वे की थी। इसके अलावा जो ज्ञानवापी का मूल स्ट्रक्चर है वो उसके खुदाई करके वास्तविक स्वरूप को पता लगाने की बात उसमें उन्होंने अर्जी लगाई थी। इसको लेकर ही आज वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैसला आ सकता है। फिलहाल एक बार और जज साहब ने दोनों पक्षों को बुलाया है। नजर बनाकर रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा वीरेश और निशांत आप दोनों बताइएगा। ABP News, आपको रखे आगे।